वीडियो का टॉपिक है वॉन्ट। वॉन्ट मीन्स चाहना। वॉट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हो। वॉट डू दे वॉन्ट, वे क्या चाहते हैं। वॉट डज ही वॉन्ट, वह क्या चाहता है। वॉट डज सी वॉन्ट, वह क्या चाहती है। वॉट डज सरिता वॉन्ट, सरिता क्या चाहती है। वॉट डज योअर फादर वॉन्ट, तुम्हारे पिताजी क्या चाहते हैं। वॉट डज योअर सिस्टर वॉन्ट, तुम्हारी बहन क्या चाहती है। वॉट डज राम्स ब्रदर वॉन्ट, राम का भाई क्या चाहता है। वॉट डज मनोज सर वॉन्ट, मनोज सर क्या चाहते हैं। तो आपने इस देखा इन सेंटेंस में कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का प्रयोग हुआ है। डू डज का प्रयोग हुआ है। डू का प्रयोग तो हम आई यू दे वी और प्लूरल नेम सब्जेक्ट के साथ में हम करते हैं डू का प्रयोग, और डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जैसे कि ही सी इट और कोई सिंगुलर नाम के साथ में। और इस प्रकार के सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, और डू डज का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पे वॉन्ट का जो प्रयोग हुआ है वो एक्शन वन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस प्रकार के हिंदी के सेंटेंस में आप देख रहे होंगे ता है, ती है, ते है, ये यूज हो रहा है। जब तक किसी हिंदी के सेंटेंस में ता है, ती है, ते है होता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू डज का ही प्रयोग करते हैं।